नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। बिहार में चोरी का अपराध बढ़ते जा रहा है। बीते दिन राजद के विधायक सुधाकर सिंह के आवास पर चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आम लोगों के घर चोरी की बात तो समझ में आती है, लगातार बिहार में जिस प्रकार से चोरी का अपराध बढ़ते जा रहा है, बैंक रोबरी हो, किसी के घर में चोरी हो, लूट छिनेती, ये लगातार सामने था। लेकिन अब इससे नेता भी सुरक्षित नहीं बच रहे हैं। राजद का विधायक सुधाकर सिंह के आवास पर चोरी होती है, अब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के भी आवास से चोरी की खबर सामने आ रही है। लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी का मामला जो है वो सामने आया है, जिसके विरोध में गांधी मैदान पुलिस में प्राथमिकी दर्ज भी कराई गई है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने भी इसकी पुष्टि की है। नेता प्रतिपक्ष का वो बयान सुनाते हैं जो मीडिया से बात करते हुए वो बता रहे हैं। सर, बताया जा रहा है FIR में 1.5 लाख रुपए की चोरी की बात है, कोई आभूषण भी है, घड़ी भी है, तमाम चीजों की चोरी हुई है। आभूषण आभूषण नहीं है। क्या FIR हुआ है? करवाया है FIR हुआ है? कितने की? क्या क्या चीज है? वो कागज है, घड़ी है, उसका उसी का बैंक से ले गया है। इधर इधर क्या क्या चोरी हुआ था? तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने किसी प्रकार की आभूषण को चोरी होने के बारे में नहीं बताया, लेकिन 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है और कुछ कागज भी चोरों ने चुरा कर ले गया है। ऐसे में क्या अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार में अब आम लोग, जब नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग का घर कैसे सुरक्षित रहेगा? बैंक रोबरी भी लगातार बढ़ते जा रही थी, देखा गया था, छिनेती के मामला बढ़ते जा रहा था, कहीं ना कहीं चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट का अपराध तो होता ही है। लेकिन जिस प्रकार से अब नेताओं को घर को टारगेट किया जा रहा है, क्या वाकई में बिहार में अपराध बेलगाम हो गया है? अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ऐसे ही घूमते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ आएंगी। लेकिन जिस प्रकार से चोरी लगातार, यह दूसरी चोरी है राजधानी पटना में, पहले राजद के विधायक सुधाकर सिंह और अब नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर चोरी का मामला आया है। अब ये दोनों चोरी बड़े बड़े नेताओं के आवास पे हुई है, ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन क्या कुछ करेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन पहले चोरों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से अब की बार जो चोरी हुई है विजय सिन्हा के आवास पे, इसमें पुलिस को अभी तक किसी प्रकार की क्लू हाथ नहीं लगी है। देखना होगा पुलिस क्या कुछ करेगी, इस पर कार्रवाई करती है, कैसे चोरों को पकड़ती है। लगातार बीते दिन से ही चोरी का मामला जो था वो संज्ञान में था, सुधाकर सिंह से लेकर के विजय सिन्हा। अब नेताओं का घर जब सुरक्षित नहीं है तो क्या आम लोगों का घर भी सुरक्षित रहेगा? देखना होगा क्या कुछ होगा। फिलहाल की खबर में इतना ही। बने रही है लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।